फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल पंजाबी थिएटर अकैडमी। दोस्तों सितारों के आसमान को छूने की कहानी सुना उन्होंने ही जुबानी इस लड़ी के तहत अज असी रूबरू करावे साढ़े अज के गैसट के नाल। गैसट के रूबरू कराने तो पहले थोड़े एक छोटी जी कहानी साझी करनी चाहता। दोस्तों एक गल करता मैं 2005 की जो मैं कॉलेज के पढ़ता सर। जिन्हें भी लोग मैं जानते हैं हूँ भी सबनों पता कि मैं सलमान खान साहब का बहुत बड़ा फैन हाँ, हूँ भी हैगा तो उन्होंने भी फॉलो करता हूँ। तो मैं दोबारा गल कॉलेज की करदा तो मैंने एक्टिंग का शौक से बहुत ज़्यादा तो मैंने कोई लिंक नहीं लग रहा है कि मैं एक्टिंग किदा स्टार्ट करा अपनी जर्नी एक्टिंग की किदा स्टार्ट करा। तो कहते रब मुकद्दर अपने आप जगा देता हूँ। तो मैं एक न्यूज़पेपर के एड देखी सी तो उस एड के नीचे एक फोन नंबर भी लिखा सगा। उस एड के लिखा सगा कि लर्न एक्टिंग नीचे उन्होंने मोबाइल नंबर सगा। तो मैं उस मोबाइल नंबर से फोन किया तो जो उन्होंने फोन चक्या तो मैं भाजी गल की मैं क्या भाई थोड़ी इदा का एड देखी मैं न्यूज़पेपर के मैं एक्टिंग सीखना चाहता थोड़े को। वो कहते कोई गल नहीं तू साडे ऑफिस आ जा आप बैठ के गल कर लैंदे आ। तो मैं थोड़ा खुश हो गया कि मैं क्या चलो शायद सानू मेरी जिंदगी की पहली सीडी मैं मिल चुकी है। तो मैं उस दिन उन्होंने तय समय से जिस दिन उन्होंने बुलाया से ऑफिस के मैं चला गया मिलया उन्होंने गलबात की मैं क्या भाजी मैं तो एक्टिंग सीखना चाहता इदा इदा मैंने कोई लिंक नहीं लभ रहा। कहते कोई गल नहीं फिक्र ना कर तू सही जगह पर आया तो तू कल तो एक्टिंग शुरू कर ला। मैं क्या भाजी एक्टिंग शुरू तो कर लैंना पर मेरे को फीस जोगे पैसे नहीं है। वो थोड़ा जहा मुस्कुराए कहते कोई गल नहीं रब का नाम लै शुरू कर दे फीस फूस तो अपने आप आ जाती होंगी है। वो कहते कि कोई गल नहीं बेफिक्र हो जा रब का नाम लै तो शुरू हो जा। जी हाँ दोस्तों रब का नाम लै तो शुरू हो जा। जे वो उस दिन एक गल ना कहते मैं तो अज थोड़े सामने बैठ के मैं इंटरव्यू ना करता हों। उन्होंने मेरा हाथ फड़िया तो मैंने मेरी पहली मंजिल पर पहुँचा दिता। कहते ने एक पहली मंजिल ही पर टप्पणी औखी होंगी है उस तो बाद रस्ते अपने आप बन जाते हैं। तो इस तरह रस्ता साडा बन गया तो अज थोड़े बैठ सामने बैठ के मैं उन्होंने ही इंटरव्यू कर रहा। तो मैं कभी सोचा भी नहीं सीगा कि ऐदा भी कभी होएगा। ये सिचुएशन रब अपने आप लिख दिता होंगे करमात अपने आप हो जाती होंगे। तो साड़ी अज के गैसट ने मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड मेरे बहुत अजीज मैं बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करता इन्हों की मेरे अज के गैसट जसबीर गिल भाजी। सत श्रीकाल भाजी वेलकम टू अवर शो। थैंक यू अरविंदर बड़ी खुशी हुई है। मैं धन्यवाद करता है सारे स्रोतों का ते तो अड़ा ते तुसी अज मैं याद किया ते असी हाजिर हो गए। थैंक यू भाजी थैंक यू सो मच। अच्छा जसबीर गिल भाजी किदां दा लग रहा इंडस्ट्री दे विच आके कदी होया कि मैं बिल्कुल डिफरेंट जॉब कर रहा अपने दोस्तां सर्कल दे विच? नहीं डिफरेंट तो कर ही रहे हैं। मेरा हमेशा यह हुंदा सीगा भी भीड़ तो अलग चलना। अच्छा जदों तुसी फुटपाथ ते चलदे आ मेरे दोस्त बब्बू मानू अक्सर कहिंदे हुंदे जे तुसी फुटपाथ ते चलोगे ना तो तुहानू लोग देखणगे। इस करके मेरा भी हमेशा यही तजर्बा रहा यही सोच रही है भी तुसी लोगों तो अलग होकर किवें चलना। जदों स्टार्टिंग दे विच मेरे दिन सीगे मैं उदों भी मेरे कपड़े पाउण दा स्टाइल भी लोगों नूं डिफरेंट सीगा ते पिंड दे कोई लोग मजाक भी करदे हुंदे सीगे ते अज उही पिंड दे लोग ने जिहड़े मतलब माण भी महसूस करदे ने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाजी स्टार्ट किदां होया करियर जसबीर गिल नूं किदां पता लग्गिया ओह एक्टर? असल मैं बहुत छोटा हुंदा सी जदों उदों मैं अपने नानके पिंड रहिंदा सीगा। मेरे नेड़ले पिंड एक वारी कुलदीप माणक जी गाउण आए तो मैं घरे बड़ा शोर पाया भी मैं माणक देखण जाणा है। तो चलो जी मेरे मामा जी दे मुंडे तो मैनूं बिठाल के सैकल ते लै गए तो मैं देख के आया तो मैनूं बाद च आके कहिंदे भी किदां दा सीगा। मैं कि माणक दा इदां दी पग बन्नी हुई सीगी तो मेरे मामा जी ने मतलब मेरे चुन्नी की पग बन्नी वो झाड़ू दियां तीलां लैके ना तुरला खड़ा करता तो मेरे पग बन्नी उन्होंने उदों तो मैं अज तक मेरे नानके पिंड मैं माणक ही कहते हैं हूँ भी माणक कहते हैं मैनू। तो उदों बाद मैं थोड़ा थोड़ा ऐ लगन लग गया बहुत छोटा सीगा भी शायद कितना कितने चिंगारी हैगी कला के अंदर। फिर काफ़ी देर कोई गलबात नहीं हुई इदा दी तो फिर तकरीबन 89 के मेरे पिंड असी ककराले शिफ्ट कर गए मेरे पिंड तो उत्थे साढ़े पिंड के मुंडे जिहड़े सी सारे नौजवान भंगड़ा सिख रहे थे। तो मैं काफ़ी दिन बाद पता लगे भी सारे मुंडे भंगड़ा सीख रहे तो मैं भी शुरू कर लिया उन्होंने को भंगड़ा सीखना। तो फिर मैं 2-3 साल लगातार भंगड़ा पाया। भंगड़ा पाते पाते मैं ऐ लग्या भी अंदर जिहड़ा एक कलाकार बैठा सीगा ना वो चूड़ियाँ बढ़ रहा है भी यार कुछ वक्खरा होना चाहिए भी भंगड़े टीम के 8 मुंडे है सारे सेम ड्रैसा ने तो पहचान कोई डिफरेंट होनी चाहिए है ना। तो फिर मैं मास्टर त्रिलोचन सिंह ने समराले तो मेरे जिन्हें मैं गुरु धारिया तो उन्होंने गल की मैं उन्होंने मिले मैं मेरे दोस्त स्वर्ण सिंह भंगू नहीं सॉरी सतपाल भंगू
ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ ਯਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਮਚੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਨਿੰਮਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੈਕਸਟੇਜ ਐਕਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਰੂਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਫ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਸਵੀਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟ ਡੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਲੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੋਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਮਾੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਨ, ਚਿਰਾਗ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਨੀਨੂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਨ ਚਿਰਾਗ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਅਰੇ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ
एक फिल्म भी की जिदे विच शॉर्ट मूवी की सबर भी सानू सबर करना चाहिए है ना। तो लोगों ने बहुत एप्रीशिएट किया उस चिराग ने काम किया गुरमन ने डायरैक्ट की फिल्म मेरा सिर्फ एक आइडिया सीगा हाँ घर के भी शूट की बाकी सारे ने अपने अपने घर तो शूट करके भेजी क्योंकि लॉकडाउन दौरान कोई भी बाहर नहीं निकलिया है पर वह फिल्म का रिजल्ट जो बाद देखे बहुत वधिया रहा। तो एक दो कहानियां होर असी बैठ के डिस्कस कीतियां ते मतलब किसी तरीके ने असी कोशिश की है भी असी अपने आपू बिजी रखिए रुझे रहे अस सारे तिने जने बैठा। एक चीज़ ना मैं सबनों पूछता हूँ ना कि तुम्हें लगता कि थिएटर एक चीज़ जी चेंज करनी चाहिए वो कि गल हो सकती है थिएटर इंडस्ट्री के थिएटर के साढ़े जोड़े थिएटर के आर्टिस्ट ने ना ही उन्होंने हमेशा शिकायत होंगी है साढ़े भी शिकायत रही है भी फिल्मों वाले सानू बुलाते नहीं है सानू ना एक एक्टिंग का जोड़ा तरीका वो चेंज करना चाहिए। अज जो माहौल हैगा वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग जिम्मे करते हैं आप गल करते हैं ये आ गया साढ़े आर्टिस्ट ना थोड़ा मतलब लाउड भी होंगे ने थोड़ा हार्डनैस ज़्यादा होंगी है मतलब सॉफ्टनैस चाहिए है एक्टिंग दे विच वो मैं लगता मैं मेरे सारे दोस्त ने जो खास तौर नवे बच्चे आते हैं भी उन्होंने एक्टिंग के तरीके बदलने चाहिए ने फिर साड़ी मेरे ख्याल शिकायत जी है फिल्मों प्रति ना फिल्म डायरेक्टर प्रति जी है वो खत्म हो जूगी लाउड होंगे अक्सर ही शिकायत आती है नहीं आप कहने ना सानू कम नहीं मिलता नवे कलाकार कम मिल जाता है वो यही है भी उन्होंने बेचारे आता कुछ नहीं होंगे है सानू यह भुलेखा रहा असं बहुत कुछ सीखे हुए हैं तो असं एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं वो एक्टिंग करते नहीं है अज जो माहौल है वो एक्टिंग की लड़ नहीं हैगी कैमरे अगे तुम जिन्ना नैचुरल बोलोगे जिन्ना नैचुरल सुभाव करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। अच्छा भाजी एक ना लंच दे तुम किसी ना किसी फिल्म एक्ट्रेस के नाल जाना पवे और कि खुश नसीब एक्ट्रेस होगी हिंदी वाली या पंजाबी वाली जी मर्जी दस दो चल पहला हिंदी वाली दस दो बॉलीवुड का शुरू करते बड़ा औखा काम है जे किसी एक का नाम लाया तो दूजी नाराज हो जूगी मेरी तो जान पछाण बहुत है ना आलिया पटना जाऊंगा हाँ जी चलो हम पंजाबी भी किया पंजाब की कि पंजाबी दे विच मैनू सोनम बाजवा हाँ चलो एक आलिया भट्ट होगी एक सोनम बाजवा होगी जी तुसी थिएटर दे विच भी बहुत काम किया किहदे नाल जाओगे तुसी थिएटर दे विच मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है ने मैं उन्होंने ज़्यादा कंफर्टेबल हाँ जिमें जूस फैस के भी मैं कॉलेज कॉलेज करवा रहा तो मैं कदें भी मैं जोड़े उतों के कॉलेज के स्टाफ मैंबर होंगे मैं उन्होंने डिनर लंच नहीं करता हूँ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के बैठ के लंच कर डिनर कर पहल दिता जी 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 हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा भाजी आप सारा गलबात की बट एक ना एक होंगे ना एक रिग्रैट इन लाइफ थोड़ा कोई यहोजा है कि यार मैं वो चीज़ कर नहीं पाया मैं जैसे पिंच करती गल कुछ इदा की गलबात है रिग्रैट एनी रिग्रैट नहीं अजे कुछ वह जहाँ किते नहीं अजे कुछ भी नहीं किया है अजे तो है ना हाँ आने वाले दिनों के स्ट्रगल जा रही है क्योंकि सारी जिंदगी रहनी आर्टिस्ट की क्योंकि बड़ा लंबा समा हो गया संघर्ष के बेशक अज बहुत सारे दोस्त जानते ने आम दर्शक जानन लग गए पहचानन लग गए पर मैं लगता मैनू कदे भी नहीं लगे भी मैं खासा कम कर लिया हालांकि साढ़े कोई दोस्त मिलते हैं बाहर वो दसते हैं भी भाजी बहुत नाँ थोड़ा अज थोड़ी बहुत सारी फिल्म जिमें लॉकडाउन के एक दिन एक दोस्त का फोन आया कहिंदा थोड़ी फिल्म घटो घट 50 बार तो मैं देख ली होनी है रब द रेडियो 2 है ना ये तो मैं कह रहा हूँ मैं बधाई दे रहे हैं कि मैं लंबा दे रहे हैं है ना तो खुशी होंगी ना गलों की पर अजे भी ए लगता भी कुछ भी नहीं किया अजे मतलब जे मैं पूनी पूनी भी नहीं कत्ती हैगी जैं लगी जांदा बड़ा पना है थोड़ा बट थानू मैनू काफी साल हो गए थानू मैं अपनी जे अपनी गल करा मैनू काफी साल हो गए थानू देखदे आं हां जी समा तो मैं जिदा स्टार्टिंग दे विच मैं थोड़े नाल गल भी कीती सी कि मैं जिहड़ी कॉलेज दी गल सुनाई सी ओह भाजी दी गल सुनाई सी तां मैनू बड़ी खुशी होई अज दुबारा गल करके पर मैनू खुद नू इह नहीं पता सीगा कि अज इन्ने साल बाद मैनू भाजी दी इंटरव्यू करनी पैणी सी तां हुंदा ना कि डेस्टिनी मैं डेस्टिनी च बहुत बिलीव करदा ते अज मैनू खुद नू मतलब कई वार हुंदा ना कि यार भाजी
थैंक यू थैंक यू। मैं सोचा भी नहीं कि मैं तुम्हारे को कभी एक्टिंग सीखने आया सीगा। हाँ तो आज बैठ के थोड़ी इंटरव्यू। थैंक यू। मैंने बड़ी खुशी होती, मैंने याद है कि तुम जो आए थे मैं चंडीगढ़ रहना हूँ सीगा, काफ़ी साल पहले की गल है। तो खुशी होंगी है भी चलो अज बहुत सारे आर्टिस्ट ने जोड़े कुछ ना कुछ मेरे को टाइम ला के गए तो अच्छे अच्छे मुकाम पर ने, इस गल की बड़ी खुशी होंगी है ना। अच्छा भाई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तीन चार फिल्मा होनी पे ने, है ना, लॉकडाउन करके रुकिया हुई ने, है ना, बड़िया फिल्मा ने होनी पे करनिया ने। तो अजक म्यूजिक का काम चल रहा, बेटा म्यूजिक कर रहा, तो वह सारा जोड़ा वीडियो का सारा काम मैं देख रहा वह, है ना। तो हूँ दो दिन बाद साड़ा एक सॉन्ग रिलीज़ हो रहा, अभी म्यूजिक कंपनी शुरू की है मैसमे म्यूजिक, तो खुला दाड़ा साढ़े बहुत ही प्यारे सिंगर ने गुरबाठ, उन्होंने गीत नू गाया, तो हिटलर मुंडा साहेब हिटलर उन्हें गीत लिखिया, तो बहुत अच्छा गीत बनया। क्योंकि अज जो म्यूजिक चल रहा है साढ़े मतलब नापता नहीं है, है ना ही, क्योंकि सारे गाने दे विच गड्डियां भज्जियां फिरी जांदियां ने, रफलां मतलब कुड़ी की तारीफ के चंगे तरीके ने भी की जा सकती है, है ना, पर पता नहीं क्यों मतलब कुड़ी ने एक नुमाइश के तौर पर क्यों रखते हैं वो भी, है ना, एक वस्तु क्यों समझते हैं एक औरत को, है ना। तो कुछ वक्रा करने की कोशिश की असी, हाँ टाइटल है खुला दाड़ा, ये 30 तरीक 30 जुलाई में रिलीज़ होना है। अच्छा भाजी कोई अनफोरगेटेबल मैमरी कोई याद है थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के रंगमंच के सफर गुरशन भाजी के नाल जां कुछ? गुरशन भाजी ने मैं 2003 दे विच मतलब इतने जो चंडीगढ़ आया, तो उदों पहला भाई ने मैं थोड़ी देर पहला काम करना शुरू करता सीगा, तो मैं कहा 2000 की गल होएगी है भाजी, उन्होंने इतने कोई फंक्शन रखा करेड के 9 सैक्टर 19 सैक्टर। अच्छा। तो मैं कहते भी चमकौर साहब मैं स्कूल के पंगू साहब उन्होंने जो स्कूल है उत्तर मैं कल्चर एक्टिविटी का इंचार्ज हाँ, उत्तर उन्होंने एक आइटम देखी सी, मैंने कहते तू उन्होंने बच्चों लैके आना इतने, मैं क्या ठीक है जी, तो उन्होंने एक आइटम करनी सी, तो मैंने कहते किन्ने बच्चे हो गए, मैं क्या जी वो बच्चे हो गए 20 तो 25 बच्चे हो गए, कोरियोग्राफी करनी सी, तो कहते हाँ ठीक है तू लै आना उन्होंने, तो उन्होंने खाना मिलेगा, तो तुम अपनी बस लियाओगे, बस का तेल के पैसे मैं तुम देंगा, ठीक है जी। तो हूँ उत्थे उन्होंने दिनों होस्टल चलता हों चमकौर साहब, जिद मुंडिया का होस्टल अलग से कुड़ियों का अलग सगा, पंगू साहब मैंने कहते भी जिस भी आप जाना तो है बच्चों लैके 20 तो 25 बच्चे जाने बड़ी बस जाने, वो सारे बच्चों लै चलते हैं, मैं कहीं देख लो, कहते बच्चों की आउटिंग हो जाएगी, हूँ असी लै आए, हूँ भाई ने देखे भी तो बस भर के लै गया आगे बड़ी बस 52 सीटा वाली, तो हूँ मैं भाजी इदा कुर्सी जिम्मे तुम बैठे इदा बैठे, तो मैं ए थले आके बैठ गया, कहें किन्ने बच्चे ने, मैं भाई हो गए 55 बच्चे हो गए 50-55 बच्चे, तो उन्होंने गुस्सा जिमें आता हों करके बोलते होंगे ना, तो मैं क्या भाजी भी कोई नहीं भी वो बस च बैठ के आ गए, नहीं मैं तुम्हें कहा ना 25 बंद खाना मिलेगा, तो उन्होंने दिनों मेरी नवी नवी मैरिज हुई थी, वाइफ भी नाल आई हुई है ना, तो बस मैं ऐं सीगा भी मैं भाई थले बैठ के ऐ हों गया, तो मतलब मेरे थप्पड़ बजते रह गए जी मेरे, तो मेरे लिए बड़े ही मैं ऐ लगता भी मेरी माड़ी किस्म सी, मेरे तो भाई तो मैं कुट नहीं खाधी हैगी, तो हालांकि बहुत मेरे दोस्तों ने रंगकर्मियों ने भाई तो मार खाधी है, तो मेरा दिल करता सी भी बड़े ने भी उन्होंने मार गौरव ने बहुत खाधी, बिक्रम हों बिक्रम ने बहुत कुट खाधी है ना जी, तो जसविंदर ने बहुत खाधी है ना जी, जसविंदर ने खाधी 71 बेचारू घट पई है, 71 लास्ट दिन नाल सीगा, तो मेरे लिए मतलब यह भुल याद है मेरे लिए भी उदो मेरे मैं ऐ लगी है भी मेरे घरवाली नाल आई है, तो भाई ने थप्पड़ मार लगे गौर नहीं कितने की, पर बाद चुनू महसूस है भी नहीं वो लोग बहुत किस्मत है जिन्हें भाई ने थप्पड़ मारे ने, तो मैं शायद इस किस्मत बदकिस्मत रह गया इस गल के। ਇੱਕ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰੇਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੇਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਫਿਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗਮੰਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੋਲ ਕਰ ਲਉਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਾ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਂਬੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਰੋਜ਼ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਰੁੱਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਬਣਾਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।